अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एक स्वीट रोटी की रेसिपी। इसे बोलते हैं खींची रोटी और ये एक लोकल डिश है। इसे आम के सीज़न में आम रस के साथ सर्व किया जाता है। तो ठंडा ठंडा रस और उसके साथ गरम गरम रोटी, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके लिए एक बर्तन में मैंने यहाँ पर ली है 200 ग्राम जितनी केसर शुगर और 200 ग्राम जितना चावल का आटा। दोनों चीज़ों में मैं ऐड कर रही हूँ 600 ml जितना पानी। आप चाहें तो नॉर्मल वाली शुगर भी ले सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को मैं पहले मिक्स करूँगी, फिर हम स्टोव ऑन कर देंगे और इसको हम पकाएंगे। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। आपको इस तरह से करते हुए लम्स निकाल देने हैं। अब मैंने स्टोव ऑन कर दिया है और अब मैं इसे पका रही हूँ। बहुत अच्छे से आपको चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाना है और बीच बीच में मैं इसमें घी डाल रही हूँ। तो अब जब ये स्टिफ होने लगे तो अब हम समझेंगे कि ये ब्रेडी होने आया है। तो लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूँगी और मिक्स करते हुए इस तरह से हमें इसको पका लेना है। और हम इसे चेक करेंगे तो ये अब बिल्कुल रेडी लग रहा है क्योंकि हाथों पर नहीं चिपक रहा। इसको मैंने एक थाली में निकाल लिया है, इसको ठंडा कर लेना है हमें। और तब तक हम ये जो आम है मेरे पास पके हुए, इसका रस निकाल लेंगे। तो ये मैंने आम लिए हैं, राजापुरी आम। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लें। तो इस तरह से करते हुए मैं थोड़ा सा प्रेस करती जाऊंगी और इसका जो पल्प है वो इसकी गुठलियों से अलग होने लगेगा। अब चाहे तो मिक्सर में भी रस निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं इस तरह से कर रही हूँ ताकि इसमें जो रेशे हैं वो निकल जाए। तो ये स्ट्रेनर मैंने ले लिया है और अब ये जो आम है इसको हम इसका पल्प जो है ये इसके अंदर डाल देंगे। सारा पल्प निकाल लेंगे हम और बहुत अच्छे से इसके छिलकों में से भी हम निकाल लेंगे ये इस तरह से। और अब हम ये जो गुठली पर लगा हुआ जो भी इसका एक्स्ट्रा पल्प है ये भी हम निकाल लेंगे। हाथ जो है अच्छे से आपको साफ कर देने हैं, मैंने धो लिए हैं अच्छे से। और इस तरह से करते हुए गुठलियों पर से भी हम पूरा रस जो है, जो पल्प जो है निकाल लेंगे। और ये सारे आम भी इसी तरह से मैं कर लूँगी। तो स्ट्रेनर से करते हुए इस तरह से आपको निकाल लेना है रस। ये देखिए मैंने इस तरह से करते हुए निकाल रही हूँ तो इसमें जो रेशे हैं ये दिखाई दे रहे हैं। तो इन रेशों के ऊपर जितना भी पल्प लगा हुआ है आपको निकाल लेना है अच्छे से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छा मज़े का बनेगा। तो ये रेशे बच चुके हैं और ये रस जो है ये मैंने निकाल लिया है। ये रहा, ये रेडी है बनकर। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये रस जो है ये थोड़ा सा पतला है क्योंकि जो कैरी हमने ली थी ये राजापुरी, इसका रस पतला ही बनता है। अगर आपको थोड़ा थिक पसंद है तो कोई और आम ले लें आप। तो चलिए अब हम रोटी बनाते हैं। तो इसके लिए ये जो हमने खींची बनाई थी ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और इसका हम डो तैयार करेंगे सॉफ्ट सा। इसके अंदर मैदे की कोई क्वांटिटी नहीं है, आपको जितनी ज़रूरत लगे आप उस उतना मैदा इसमें ऐड कीजिए। तो इतनी रोटियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 कप जितना मैदा इसमें डाला। तो इतना ये एकदम मीडियम सॉफ्ट सा इसका डो रेडी हो चुका है। तो अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड किया है और इसको मैं गूंद रही हूँ इस तरह से। और ये करने के बाद आपको इसको कवर करके 10 मिनट रेस्ट देना है, 10 से 15 मिनट। और इसके बाद हम इसकी रोटियां बनाएंगे। तो ये एक पेड़ा मैंने ले लिया है, इसकी पहले हम छोटी साइज की रोटी बनाएंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ
इस तरह से सब जगह पर आपको स्प्रेड कर देना है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और वापस हम इसे फोल्ड करके वापस तेल लगाएंगे। वापस हम आटा छिड़केंगे, यानी मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। इसे फोल्ड करेंगे वापस और अब हम इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। इसकी रोटी जो होती है ये थिक नहीं होती है, आपको इसकी पतली साइज़ की, छोटी साइज़ की रोटी बना लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है। तो ये बिल्कुल रेडी है सेकने के लिए। तो इस तरह से हम वन बाय वन सारी रोटियां बना लेंगे। तो इस तरह से करते हुए आपकी इसमें से 20 सेंटीमीटर की 22 to 24 बन जाएंगी। तो इस तरह से मैं सारी बनाती जाऊंगी और इसे एक एक करके हम सेकते भी जाएंगे। तो चलिए इसे पहले सेक लेते हैं। तो ये दूसरी भी मैंने बना ली है और अब हम गरम तवे के ऊपर इसे डाल देंगे। आपका तवा जो है ये गरम होना चाहिए, जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं। तो दो बार फ्लिप करने के बाद मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। दोनों तरफ अच्छे से ऑयल लगा देना है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे घी पसंद है, ज़्यादा हैवी नहीं लगती, वो घी यूज़ करें। तो अब ये रोटी जो है ये सिक चुकी है, निकाल लेंगे इसे। इस तरह से करते हुए मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। इसे किसी कपड़े में लपेट कर, गरम रहे उस तरह से किसी डिब्बे में रख दें और इसे सर्व करें ठंडी ठंडे आम रस के साथ। तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो ट्राई कीजिए इसे और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर।